हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक इंस्टेंट सांभर प्रीमिक्स की रेसिपी, जिसकी हेल्प से आप जब मन चाहे सिर्फ 15 मिनट में सांभर तैयार कर सकते हैं। फिर आप उसे इडली के साथ सर्व करें, डोसे के साथ, उत्पम के साथ, वो भी बिना किसी झंझट के। दोस्तों, बनेगा इतना टेस्टी और लज्जतदार कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। सिर्फ एक बार बना के रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे 2 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, 2 से 6 महीने यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप तुअर दाल। अब कप मैंने देखिए, घर की कोई भी आप एक कटोरी से मेजरमेंट ले लें। 1 कटोरी तुअर दाल यानी अरहर दाल, जिसमें मैंने उसकी आधी क्वांटिटी में लिया है 1/2 कप चने की दाल, 1/2 कप धुली उड़द की दाल और 1/2 कप चावल, कोई भी रेगुलर चावल जो आप घर में यूज करते हैं वो चावल ले लें। इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसे हमें करना है धीमी आंच पे रोस्ट। इसे हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी हो जाए। देखिए, जब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो इसका टेस्ट उभर के आएगा, दूसरा ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो देखिए, जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना चना। ये वही चने हैं जो हम स्नैक्स में खाते हैं, तो ये छिलके के साथ ही यूज़ कर रही हूँ मैं। 1.5 चम्मच डाला है, बड़ा चम्मच मैंने भुने हुए चने। तो इसे भी हम डाल के थोड़ा देर चलाएंगे और लगभग मैंने इसे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे देके भुना है और कलर दाल का चेंज होने लगा है, अच्छे से खुशबू आ रही है। तो अब मैं गैस बंद कर दी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी गर्म है कढ़ाई, तो इससे जलने का खतरा रहेगा। अब थोड़े से मसाले हमें रोस्ट करने हैं। तो ये ली है मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। साथ में डालेंगे हम 8 से 10 कश्मीरी खड़ी लाल मिर्च। इसके साथ ही इसे हल्का सा, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, मिर्चें जलनी नहीं चाहिए, जल जाएंगी तो आपको दिक्कत होगी, बहुत खांसी आएगी। तो बिल्कुल आंच को धीमा रखें इस समय पर। और इसमें अब हम डाल रहे हैं थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लिया है मैंने खड़ा धनिया, 2 टेबल स्पून लिया है जीरा और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने मेथी दाना। इन सब चीज़ों को डाल के बिल्कुल धीमी आंच पर हमें 1 मिनट के लिए सेक लेना है, यानी इसे हल्का सा रोस्ट करना है। और ये देखिए, अच्छे से भुन चुका है। तो अब गैस मैंने कर दी है बंद और अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल का बुरादा। 1.5 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं ये नारियल का बुरादा, जिसे खोपरा भी कहते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट। और गैस मैंने बंद करने के बाद डाला है ताकि हमारा नारियल जो है वो जले ना। इसको चला लेंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है, तो ये थोड़ा सा भून लेंगे तो इसकी खुशबू अच्छे से बढ़ जाएगी। तो ये देखिए, इसे थोड़ा सा चलाने के बाद अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सारे मसाले मैंने ठंडे कर लिए हैं। लगभग 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि गरम पीसना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो अब एक मिक्सी के जार में मैं ये भुनी हुई दालें और ये भुना हुआ मसाला सारा डाल दूंगी। इसमें अब हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं हींग, हींग का पाउडर या खड़ी हींग, कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर बेस में है। तो मैंने 2 टीस्पून डाली है हींग और 1 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून डाली मैंने हल्दी और 1/2 टेबल स्पून डाला मैंने नमक, साथ में 1/2 टेबल स्पून डाला मैंने चीनी। इन सारी चीज़ों को डाल के हमें मिक्सी में बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। यहाँ नमक मैंने अभी कम ही रखा है, जब हम सांभर बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें नमक बढ़ा सकते हैं। तो ये पाउडर हमारा देखिए प्रीमिक्स तैयार हो चुका है। अब इसके लिए अब एक सूखा जार ले लें, कोई भी एयरटाइट जार ले लें और उसमें इस मसाले को भर के और ढक्कन लगा के टाइट बंद कर दें। ध्यान रहे एयर टाइट होना चाहिए ताकि इसकी खुशबू ना उड़े। अब ये जो मसाला मैंने तैयार किया, इसे आप बाहर रखेंगे तो 2 महीने आराम से चलेगा। और अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और अप टू 6 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे बनाना कैसे है, इसका तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है देखिए 1/2 कप यही प्रीमिक्स मैंने निकाल लिया है
और यहाँ पर लिया है मैंने आधा लीटर पानी, जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब अच्छे से उबाला आ गया है तो मैंने गैस कर दी बंद, और इस गर्म पानी में मैंने अपना ये प्रीमिक्स डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और इस पानी में, गर्म पानी में हम इस मसाले को लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस यही एक प्रोसेस करना है दोस्तों आपको सांभर बनाते समय। तो ये देखिए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से इसमें फूल चुकी हैं, सोख हो गई हैं सारी दालें। तो अब जब भी आपको सांभर बनाना हो 10 मिनट लगेंगे। देखिए मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम किया, उसमें डाली थोड़ी सी हींग लगभग हाफ टी स्पून, साथ में डाली राई 1 टीस्पून, थोड़े से कड़ी पत्ते, चौथाई चम्मच चने की दाल और चौथाई चम्मच उड़द की दाल। इन सब का तड़का लगाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये सांभर हम बिना प्याज और लहसुन के तैयार कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अब मैंने अदरक का पेस्ट डालने के बाद डाला है 2 बड़े टमाटर, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल के मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इसे अच्छे से बारीक चॉप भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में अच्छा लगता है सांभर खाना, तो मैं हमेशा पेस्ट बना के डालती हूँ। इसमें डाली मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी डाली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सारे मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना आ जाए। बस 2 मिनट का प्रोसेस है फ्रेंड्स, 2 मिनट में मसाला भुन जाएगा। तो अब इस स्टेज पे आपको इसमें जो भी सब्जियां ऐड करनी हो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बीन्स डाल रही हूँ। मेरे यहाँ बीन्स का सांभर बहुत अच्छा पसंद किया जाता है, तो बीन्स को मैंने गर्म पानी में नमक डाल के हल्का सा सिर्फ 5 मिनट के लिए रख दिया और पानी उसका सारा निकाल दिया। उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर आप बीन्स के अलावा लौकी, कद्दू, बैंगन, गाजर, मटर जो डालना चाहें इसी तरह से आप ब्लांच करें और इस स्टेज पे डाल के मसाले में भून लें। तो यहाँ मैंने इसे 2 मिनट के लिए देखे फ्राई किया है, तेल अच्छे से छूट चुका है। तो अब हमें इसमें डालना है अपना तैयार किया हुआ प्रीमिक्स जो हमने गर्म पानी में सोख करके रखा हुआ था। तो ये देखिए इसको अच्छे से हिला लेंगे, और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। सिर्फ आधा कप लिया था दोस्तों मैंने, और जो ये सांभर बनेगा लगभग 6 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। अब आधा लीटर पानी पहले लिया था और आधा ही लीटर मैंने और डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ इमली का पानी। यहाँ पे इमली के पानी की जगह आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने डाला है लगभग 2 टेबल स्पून इमली का पानी, थोड़ा खट्टा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ, और इसे लगभग मैंने 10 मिनट बॉईल कर लिया है। बस 10 मिनट में सांभर तैयार। और ये देखिए यहाँ पे नारियल की चटनी मैंने तैयार की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आपको, आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनके तैयार है। और ये देखिए आप टेक्सचर देखिए, आप कलर देखिए, है ना बिल्कुल ऐसा जैसे आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है। दोस्तों टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा बना है, यकीन नहीं है तो आप इतना रेशियो में, जो रेशियो मैंने बताया है आप उससे चौथाई रेशियो का बना के देखें, और एक बार इस तरह से सांभर बना के देखिए। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत हेल्पफुल रेसिपी है, बहुत कन्वीनियंट रेसिपी है। जब मर्जी हो आप सांभर तैयार कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। आई होप जो मैं रेसिपीज देती हूँ आप लोगों को पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नई नई वीडियोस देखने के लिए साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आई होप मेरे साथ आप लोग इसी तरह बने रहेंगे, मेरा साथ देंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।